फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ तीन ऐसा फेज वर्ड्स जिसे आपको जानना ही होगा, क्योंकि हमें अपनी डेली लाइफ में इन फेज वर्ड का इस्तेमाल अक्सर सुनने को मिलता है, जैसे कीप एन आई ऑन, हैव एन आई ऑन और हैव एन आई फॉर। तो आइए फ्रेंड देखें कि आप इन तीनों टॉपिक्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। कीप एन आई ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो नजर रखना या ध्यान रखना। यानी कई बार आप ये सेंटेंस अक्सर किचन में सुनते होंगे, जब आप दूध को उबालते हैं तो कहते हैं दूध पर नजर रखना, या कई बार ट्रेन में जब आप वॉशरूम जाते हैं तो अपने साथी से कहते हैं या अगल बगल के पैसेंजर से कहते हैं कि मेरे बैग पर नजर रखना या ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, इसी सेंस में आप कीप एन आई ऑन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि मेरे बैग पर ध्यान रखना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कीप एन आई ऑन माय बैग। अगर आपको कहना हो कि मेरे सीट पर नजर रखना या मेरे सीट पर ध्यान रखना, यानी कोई और यहाँ आकर ना बैठ जाए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कीप एन आई ऑन माय सीट। अगर आपको कहना हो कि बच्चे पर नजर रखना या बच्चे को ध्यान देना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कीप एन आई ऑन द बेबी, यानी बच्चे पर नजर रखना। अगर आपको कहना हो कि दूध पर नजर रखना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कीप एन आई ऑन द मिल्क, यानी दूध पर नजर रखना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आप किसी से कहें कि किसी सामान पर नजर रखना या ध्यान रखना, तो इस कंडीशन में आप कीप एन आई ऑन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि हैव एन आई ऑन क्या है। हैव एन आई ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको कहना हो कि किसी इंसान को किसी चीज पर नजर है, यानी वो इंसान उस चीज को पाने की चाहत रखता है या उसे पाने की ख्वाहिश रखता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब कोई ऐसी खास चीज जिसको आप पाने की चाहत रखते हैं, पाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस सूरत में आप हैव एन आई ऑन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मर्सिडीज पर मेरी नजर है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव एन आई ऑन मर्सिडीज। रॉयल इनफील्ड पर आपकी नजर है, यू हैव एन आई ऑन रॉयल इनफील्ड। कलर के पोस्ट पर मेरी नजर है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव एन आई ऑन द पोस्ट ऑफ कलर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हैव एन आई ऑन का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी खास चीज पर किसी इंसान की नजर है, यानी वो इंसान उस चीज को पाना चाहता है या उसको पाने की ख्वाहिश रखता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप हैव एन आई ऑन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। Have an eye for का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि किसी इंसान को किसी चीज की अच्छी परख है या अच्छी जानकारी है। जैसे मुझे इंसानों की अच्छी परख है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I have an eye for men, यानी मुझे इंसानों की अच्छी परख है, उसे रंगों की अच्छी परख है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे She has an eye for colors, यानी उसे रंगों की अच्छी परख है, कौन कलर किस पे सूट करेगा या किस कलर को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। By the way, अगर आपको कहना हो कि मुझे रंगों की अच्छी परख नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I don't have an eye for colors, मुझे इंसानों की अच्छी परख नहीं है, I don't have an eye for men। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूँ कि इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी इंसान के अंदर किसी चीज को परखने की नेचुरल टैलेंट हो, यानी कुदरती टैलेंट हो। अगर कोई इंसान के पास कोई टैलेंट है लेकिन कुदरती नहीं है, यानी वो उसे सीखा है, तो फिर आप हैव एन आई फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे जिसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखे हैं और आपको ये बात पता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों टॉपिक्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर तीन सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तीन सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।